हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं 6 साल के कुणाल की, जिसे मरा हुआ समझकर उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन शमशान जाने से ठीक पहले उसकी सांसें वापस लौट आई। आप में से बहुत से लोग इसे भगवान का चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन ये चमत्कार से ज्यादा एक माँ के दिमाग की सूझबूझ का नतीजा है कि उसका बच्चा जिंदा बच गया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। इन खबरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि 6 साल का ये बच्चा अपनी माँ की प्यार भरी आवाज से जिंदा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा माँ के प्यार से नहीं बल्कि माँ के दिमाग से मौत के मुंह से वापस आ गया। कोरोना की तीसरी लहर में जहाँ एक तरफ कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, वहीं एक माँ ने अपनी समझदारी से आखिरी सांस से लड़ रहे बच्चे को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग और CPR देकर बचा लिया। इस तकनीक से बच्चे के मुंह में तब तक सांस दी गई जब तक वो होश में नहीं आ गया। कुणाल के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच ये घटना कोई चमत्कार नहीं बल्कि माँ की सूझबूझ का उदाहरण है। सबसे पहले आप ये जानिए कि 6 साल के कुणाल के साथ हुआ क्या। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहने वाले 6 साल के बच्चे कुणाल को 25 मई को बुखार हुआ। हालत बिगड़ी तो परिवार ने कुणाल को दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट करवाया। एक दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने शव पैक करके पिता को सौंप दिया। 6 साल का बच्चा जिसे अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया, घर आ गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी, लेकिन वो जीवित हो गया। सुनने में थोड़ा सा अतिशोक्ति या ऐसा लगेगा कि जैसे आज के दिन में ऐसे चमत्कार कहाँ होते हैं। हमारे साथ बच्चे के दादा दादी हैं, पड़ोसी हैं, इस बात के गवाह हैं। विजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या हुआ था उस दिन। उस दिन ऐसा हुआ, 26 तारीख को मैं वहाँ मिलने गया कलावती हॉस्पिटल में, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो मिलने नहीं देती किसी को, तो लेकिन मैं निकल गया था, डॉक्टर ने देखा नहीं, मैं मिलने चला गया अंदर। मैं चला गया तो वो लड़का पाइप लगा रहा था जगह जगह, उसको पाइप लगा रहा, वो पापा से कह रहा, पापा मैंने पानी पीना है, मैं पानी नहीं देना इसको, पाइप भी हटाने। फिर मैं तो बाहर आ गया, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को किसी मिलने नहीं दिया। मेरी बेटी भी गई थी, मेरा बेटा भी गया था, उनको नहीं जाने दिया अंदर। फिर हम वहाँ से वापस भादुगढ़ आए, 2 घंटे लगे आने में। हमने चाय बनाई, मेरी बहू ने चाय बनाई, चाय ऐसे रखी थी, फ़ोन आ गया मेरे बेटे का 5:30 बजे, पापा डॉक्टर कह रहे हैं 1/2 घंटे का मेहमान रह गया। मैं 1/2 घंटे का, सारे कह रहे नहीं नहीं डॉक्टर ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं, तू चिंता मत कर। फिर उसने 1/2 घंटा फ़ोन किया, पापा मेरा बेटा मर गया। मैं क्या मर गया, हम सब रोना शुरू हो गए। हम तो रोने, मोहल्ला इकट्ठा हो गया हमारा, रोना शुरू सारे हो गए। तो इतने में फिर वो फ़ोन आया वहाँ से ही, उसके साले ने फ़ोन किया मेरे को कि अंकल जी ये बताओ कि वहाँ पे 7 बजे ले लेंगे शमशान घाट में उसको। तो मैंने कहा यहाँ 7 बजे नहीं लेते, कहता वहाँ नेहरू पैलेस में ले लेते हैं, कहो तो मैं वहाँ पे दे दूँ शमशान घाट में। मैंने कहा दादी से पूछता हूँ, ये दादी बैठी, ये बोली नहीं नहीं यहाँ लेके आओ। मैंने शक्ल देखनी, सोमवार से क्या मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी, उसको यहाँ लेके आओ। मैंने वहाँ नहीं दुखाया उसको, वहाँ नहीं करवाना। कुणाल के पिता ने अंतिम संस्कार में देरी होने की वजह से बहादुरगढ़ की बजाय दिल्ली में करने की बात कही, लेकिन दादी की पोते को आखिरी बार देखने की जिद की वजह से कुणाल को अपने घर बहादुरगढ़ लाया गया, जहां कुणाल की मां को कुणाल में जान होने का एहसास हुआ। इसके बाद कुणाल को मुंह के जरिए हवा दी गई और साथ में हार्ट को पंप किया गया। थोड़ी देर में कुणाल के शरीर में हरकत होने लगी और कुणाल मौत के मुंह से वापस आ गया। मृत डिक्लेयर कर रहा है इसको ले जाओ, मेरे बस के सब कुछ कर चुकी हूँ, अब ये 1/2 घंटे में मर जाएगा, उन्होंने ये कहा। तो फिर वो जब यहाँ पे आए, हमने बर्फ की सिल्ली मंगा रखी थी, इन्होंने बर्फ की सिल्ली, फिर नमक की बोरियां मंगा रखी थी जिसमें दफनाना था हमने, और सारी कुर्सियां रखवा दी। और आधे बंदों को तो मैं ऐसे कह चुका था, अच्छा हम भाई साहब सवेरे 7 बजे टाइम है, आप सवेरे पहुँच जाए शमशान घाट में। आधे बंदे चले गए थे, रो रहे थे सारे। और फिर वो जब एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से उतारा ना जब उसको, और घर में आए, इन्होंने कहा बर्फ पे नहीं रखना है, पहले रोने दो। ये मेरा दोस्त है सुनील, इसने कहा कि भाई बर्फ पे नहीं रखना है, पहले रोने दो ताकि भड़ास निकाल ले, उसके बाद रखेंगे बर्फ के ऊपर।
और फिर उसके बाद मेरी बहू आई अनु शर्मा, उसने उसको टच किया करते, बोली मम्मी, इसे बोली मम्मी इसके अंदर से धड़कन लग रही है मेरे को। तो पड़ोसी कह रहे नहीं नहीं धड़कन नहीं है, ये वेंटिलेटर की हवा है। वो चेक कहते मम्मी मेरे को चिल्ला कर रही है। हमने उसको लिटाया, कहते हाँ इसके पैर भी गर्म लगे, कोई लोग कहने लगे। फिर मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में खूब फूके दी, इन्होंने कहा फूके, तो मैंने फूके दी खूब। फिर मेरे बेटे ने फूके दी, बड़े वाले ने, फिर उसके पापा ने फूके दी, फूक दी उसको ना, ये दांत काटा उसने दो तीन बारी, खून निकल आया उसके बाप के यहाँ से, खून निकल आया जोर से काटा तो उसके हाथ चलने शुरू हो गए एकदम। इन्हें पंपिंग की, सबने पंपिंग छाती में पंपिंग, हिलने लगे, कोई कहे ये कपूर सुनाओ, कोई कहे ये करो, कोई ताड़ी मारने लगे जोर जोर से, ओह बच्चा जिंदा हो गया, बच्चा जिंदा हो। अपने जिगर के टुकड़े के चले जाने पर पूरे परिवार में मातम का माहौल था, लेकिन माँ की सूझबूझ न होती तो 6 साल का कुणाल आज जिंदा न होता। जैसे ही माँ को इस बात का एहसास हुआ कि कुणाल में जान बाकी है, तब पिता, माँ, दादा ने मुंह से बच्चे को सांस देने की कोशिश की। इसे वैज्ञानिक जबान में आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया से कुणाल के शरीर में जान आ गई। इसके बाद कुणाल को रोहतक के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां कुणाल की हालत में बहुत सुधार है। इतना बड़ा संकट आया और अचानक आ गया, और सहन भी करना पड़ा। भगवान की कृपा हुई है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है इस टाइम। डॉक्टर ने बहुत अच्छा लगा, भगवान के बराबर ही वो डॉक्टर है जिसने उस बच्चे को अच्छे से देख रेख की। लेकिन मां ले गई थी जब रोहतक में, उन्होंने 10-15% बताया था। लेकिन एक सवाल ये है कि जब ये आपके घर में बच्चा आया डेड बॉडी के तौर पर, और उसके बाद वो मौका कैसा था, आपके मन में क्या चल रहा था उस वक्त? हम रो रहे थे, फिर रहे थे कि एक ही बच्चा है, उसका आगे क्या होगा इसके साथ, और क्या जो इसका तो खिलौना है, ये खिलौने के साथ खेलता था दुकान से आगे, उसके बाद क्या होगा, कैसे ये जिंदगी जीवन गुजारेंगे, कब पता नहीं बच्चा होगा, इतने बच्चे को पाल पोस के और हाथ से चला जाए तो कितना दुख होगा माँ बाप के लिए। वो लम्हा का कैसा था जब वो लगा कि अरे जिंदा है बच्चा, बच्चे में सांस है? वो भगवान के सब प्रार्थना करने लगे, जयकारे लगाने लगे, कोई खाटू श्याम के, कोई जय माता के, कोई कुछ, इतनी मन्नते मानी दुनिया की, एक एक बंदे से मैं दुआ लिए, मैंने झोली पसार पसार के कि अपने फोन में भी डाल दिया कि इस बच्चे के लिए बहुत दुआ करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, बहुत दुआ करी दुनिया ने, एक एक बंदे की मैं धन्यवाद करती हूँ। माँ की दुआओं का असर है, पिता की सांसों का असर है, CPR का असर है कि एक बच्चा जिसे अस्पताल ने मृत डिक्लेयर कर दिया, 3 घंटे तक एम्बुलेंस में यहाँ पहुँचा, अंतिम संस्कार के लिए जहाँ उसके लिए स्लॉट ढूंढे जा रहे थे वहाँ बच्चा जीवित हो गया। जिस कुणाल के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी उसे परिवार की समझदारी ने बचा लिया। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के साथ कुणाल के हार्ट पर पंपिंग की गई ताकि दिल की धड़कन शुरू हो सके। इसे मेडिकल जबान में CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन कहते हैं। इससे दिल की धड़कन वापस लाने की कोशिश की जाती है। CPR के जरिए ब्रेन और हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाती है। CPR में हार्ट पर दबाव के साथ साथ मुंह में सांस भी दी जाती है, इससे हार्ट फिर काम करना शुरू कर सकता है। हार्ट और ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई से जिंदगी बच सकती है। जब बच्चा हमारे पास पहुंचा उसको टाइफाइड जैसी कोई बीमारी नहीं थी, बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आधा घंटा एक घंटा और नहीं पहुंचता हमारे पास तो शायद उसकी जान नहीं बचती। जब वो आया वो नियर गैस्पिंग कंडीशन में था, उसकी ब्लड प्रेशर, बच्चे का कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, और उसके लगभग 5 ऑर्गन सिस्टम फेल हो चुके थे। तो ऐसे बच्चों के बचने की संभावना वास्तव में बहुत कम होती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।